فیصلہ دیا گیا لیکن پھر بھی انہوں نے बराबर का ही सेट है। वो अगर कोई आवाज पहले तो बताए तो डालना होता है तो बच्चे उसका क्या ही सेट होगा।
और बात तो हम ये कहना हमारा ये चाहिए, हमारा ये पुकार, हमारा ये ग्रामीण जी ये जारी और जारी रहेगा। लेकिन 200 माइंस की कुबर है और माइंस नहीं होना चाहिए, अपना जद्दोजहद जारी रखना चाहिए और अपने जद्दोजहद के साथ साथ मजीद इसमें फायदे बनाने के लिए फेडरेशन सतह पर मुझे यकीन है मुतहद नगर फेडरेशन एक बहुत पाक तंजीम है हमारे इनके साथ कमल को खटक साहब से नबी अहमद साहब मरहूम मेरा साधु में रहा अवान साहब और तमाम दोस्त अच्छे लोग हैं, काम कर रहा है, काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे प्लान लेवल से तो बात शायद आगे नहीं बढ़ेगी। भारत मैं तो मुख्तसर बात करूंगा और मैं आप दोस्तों को यही यकीन दिलाता हूं कि इस तहरीक को मजीद मुनजम करने की ज़रूरत है। शायद लेवल पे अगर को मुझे आज अंदाज़ा होना चाहिए था कि कम से कम हो तो 400-500 बंदे तो होना चाहिए था। दो तीन इदारे का हालात ये जिनका अपना मुतासरीन है लेकिन तरीके से बाकी मजदूर आज भी मुजरिम है और इंशाल्लाह हम मुजरिम मरेंगे भी और मुजरिम जिएंगे। अब मैं बादशाह खान के सच्चे पैरोकार हमारे वार्ड के जनाब मंबर खान लाला से अपील करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि वो आए और जनाब मंबर खान लाला आवामी नेशनल पार्टी का जो मंशूर है उसके अंदर वादे तौर पर लिखा गया है कि जब आवाम ने हमें इस काबिल समझा और इस हुकूमत का अख्तियार हमें दिया तो हम आवाम को यकीन दिलाएंगे एक मजदूर की तरफा एक तोला सोने के बराबर करेंगे। देखिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारा वजीर है उनको मैंने एक भाई जान वो एक तोला सोना को जोड़ो कल्याण इंतजाम खत्म करने का जो वादा हमने किया था वही गैर इंसानी तरीका है। एक सरमायादार को पैदा हुआ कहीं पर जैसे कदा को देख अपने मजदूरों को काम किया जाता है और फिर आज तो हालत ये है कि एक ठेकेदार है जो 10 कंपनियों का ठेका लेके बैठा हुआ वो भी आराम से ठेकेदारों ने ठेकेदार फिर एक व्यक्ति के अंदर 10 खाते हैं तो उस ठेकेदार ने 10 आगे छोटे छोटे खुदा बना के बिठाए। मैं आपके सामने माफी चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त वजीर है हमारा तो है मगर जहाँ सिस्टम कुछ यूँ है कि अगर आप जैसा आज से एक सदी से पहले सीएस ने एक मौके पर कहा था एक छोटी जगह पर खड़ा होकर कहा कि यार आपका ये बादशाह जो है ये बहुत जालिम है, ये सिस्टम खराब है, तो जिन लोगों ने समझा जिस तरह यहाँ पर बात की जाती है कि यार वो पुराना पुरानी है ये वगैरह हमारा ये नवाब साहब तो बहुत अच्छा आदमी है, ये तो नमाज भी पढ़ता है, खैरातें भी पढ़ाता है और ख़त्म भी कराता है। उसने कहा नहीं भाई ये सिस्टम जो चला रहा है आप ऐसा करें कि अगले इतवार के दिन मेरे साथ चले, वो जो बड़ी नमाजें पढ़ता है और वो जो बड़ी खैरातें पकाते हैं बादशाह दोबारा आप अपना टुकड़ा लेकर वहाँ कर फिर आप देखना आप देखना कि होता क्या है, क्या कह रहा है।
तो पता क्या हुआ यूं कि वो लोग फिर उसी जगह जमा हुए और कुछ शख्स थे तो बैनर और मलेगा जैसा आप लोग बनाए तो बना कर लाए थे और वो जो लोग मजा समझ कर रहा है कि यार गलत समझ रहे जो अंदर तुम लोग आए और बादशाह के मैं तरफ रवाना हूँ शख्स बड़ा समझदार और अजीम इंसान था वो वही अजीम इंसान सारी मस्जिद में अपना नाम कर गया चाहे लोगों ने उसे कुछ भी कहा